इन दोनों गाय के बछड़ों से मिलवाता हूँ आपको। तो ये एक नटखट ये वाला है। बचपन में पेड़ पर चढ़ के बहुत बैठा करते थे। प्रभात दोस्तों, तो रात हम पंकज के यहाँ रुके थे जैसा कि आपको पता है, और मेरे सुबह साथ गुजारे ना आज का रात अपने दोस्त के साथ गुजारे। तो गलत नहीं सुबह समझिए, मतलब मेरे साथ गुजारे हैं। इनके साथ गुजारे, चलिए यही बोली। तो सुबह हो चुकी है और अब हमें वापस जाना है अपने यहाँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा गुजरा, बस मंदिर नहीं जा पाए, बाकी सब ठीक था। और दिवाली 2 दिन मनती है इधर, दिवाली हाँ 2 दिन ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा मत सोचिएगा, 1 दिन और मनना है अभी। खैर, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अब चलेंगे हम थोड़ी देर में। फ़ोटो फोटो ठीक आ नहीं रहा। ठीक आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप बज गया है, कितना बजे? 11 11 बजा दिया है ये आदमी। हमको 8 बजे जाना था, 11 बजे तक रोक लिया है और अभी जाकर ये छोड़ने वाला है। तो चलें। नहीं, ये और रुक जाइए। अच्छा, आप मूर्ति की तरह काहे रहते हैं, आपको बोलना चाहिए ना कुछ कुछ। सोचता हूँ साला क्या बोलूँ क्या बोलूँ, क्या वर्ड ही नहीं आता। चलें अब। नहीं चलिए, निकालिए बाइक, बाइक निकालिए जल्दी। टाइम मेरा आपको, आप मेरे ब्लॉग में आना सीखना पड़ेगा, समझ। कैमरा की आदत आपको नहीं, नहीं। पहले हमको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग दीजिए। अच्छी बात है, कैमरा के साथ कभी आए नहीं है ना। अब आप जब भी कैमरा पे मैं पोज कर रहा हूँ ना, आप पोज कर रहे हैं वीडियो फोटो के लिए। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, वो वीडियो हो रही है। अरे देखिए, आपको पहले हमको ट्रेनिंग देना होगा। आदतन आप आदत पहले बोल दीजिए ना कि हाँ वीडियो बना रहे हैं। हमको क्या पता, कोई आदमी मोबाइल खड़ा करता है फोटो लेने के लिए, आप तो वीडियो बना देते हैं, मतलब। इसलिए तो बोले आपको आदत लगाना होगा कि जब भी मैं ऐसे करूँ आपको तैयार नहीं होना। वैसे जैसे आप, जैसे हम रहते हैं, हाँ हम तो गधे की तरह रहते हैं। गधे की तरह रहते हैं, ये क्या बात है। हरामी है। जो स्पेक्स यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि पावर जो है वो बदलते रहता है, तो आपको लेंस जो है वो बदलवाते रहना पड़ता है कुछ कुछ दिनों में, चश्मा को अपडेट करते रहना। तो ये जो चश्मा मैं अभी लगाया हुआ हूँ, ये पुराना चश्मा है और ये जो हाथ में है ये इसके बाद लिया था। तो ये जो है अचानक से लेने के 6-7-8 दिन बाद, 6-7-8 महीने बाद इसका जो आप देख सकते हैं धुंधला हुआ, और मुझे फिर पुराना चश्मा निकाल के पहनना पड़ा। अब इसका जो लेंस है वो मुझे बदलवाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये टाइटन का शॉप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे इसका लेंस बदलवा लेंगे। ये फ्रेम जो है ये थोड़ा हल्का है, ये पहले का जो फ्रेम है ये थोड़ा भारी है, लेकिन मैं पिछले काफ़ी दिनों से यही पहन रहा हूँ, मौका भी नहीं मिला बदलवाने का। तो मैं अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ, अब देखते हैं। यहाँ पे खुला भी नहीं है, शॉप बंद है, तो शायद अब खुलेगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर चेकअप्स वगैरह भी होते हैं, तो चेकअप्स करवाएंगे आँख का और फिर लेंस खरीदेंगे नया वाला। आई चेकअप हो चुका है, हो सकता है लेंस आज ही मिल जाए। कई बार 2-4 दिन लग जाते हैं बनने में, मैक्सिमम 7 डेज बताया जा रहा है। देखो 7 दिन तक लग सकता है। अभी इनके पास एक ही लेंस और 2 चाहिए, तो देखते हैं कब तक होता है। शायद 2-3 दिन में भी हो जाए। हो गया यहाँ पे काम, लेकिन वही है कि 7 दिन तक का टाइम लग सकता है। तो अभी शाम के 7:30 बजे हुए हैं और मैं इधर अम्बेडकर चौकी तरफ लाइब्रेरी के साइड। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं जैसा मैंने बताया था, और ये जो है लाइब्रेरी है, भीमराव अम्बेडकर चौक है और ये लाइब्रेरी है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा आया करता, घर में रहता था कॉलेज से पहले, तो यहाँ काफ़ी वक्त मतलब बिताता था। ये लाइब्रेरी एक तरह से मानिए बहुत कमाल चीज़ है। यहाँ पे आपको तरह तरह की किताबें मिलती है, हर तरह की प्रिपरेशन के लिए, साहित्य के लिए, लिटरेचर वगैरह, हर तरह की चीज़। दोस्तों अभी हम देवघर से अपना गांव जा रहे हैं और यही वाली सड़क जाती है गांव। फिलहाल हमारी ऑटो जो है वो रास्ते में एक जगह पे रुकी हुई है, एक गांव के बगल में रुकी हुई है। तो कुछ देर में हम अपना गांव पहुंच जाएंगे, काफ़ी दिनों बाद इस बार गांव जा रहे हैं। वैसे तो छठ पूजा जो है वो काफ़ी स्पेशल होता है, लेकिन इस बार हमारे यहाँ छठ पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्लड रिलेशन में अगर किसी का मौत हो जाता है तो छठ नहीं मनाते, तो इसलिए हम लोग छठ नहीं मना रहे हैं इस बार।
तो किसी रिलेटिव्स के यहाँ होगा, देखते हैं अगर जा पाते हैं तो जाएंगे, वरना अगर कॉलेज पहले जाना हुआ तो नहीं जाएंगे। यहाँ तक ऑटो से आए हैं और यहाँ से हमें पापा लेने आएंगे, फिर बाइक से हम घर जाएंगे। ये बरगद का पेड़ बहुत ही छायादार है, आप देखिए यहाँ बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं इस पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, बचपन में पेड़ पर चढ़ के बहुत बैठा करते थे, तो थोड़ा सा वो बचपन वाली अनुभूति हो रही है, वो वाला याद है ना, ताज़ा हो रहा है। दोस्तों बिहार में जो है वो दो तीन तरह का इलाका है, कहीं पे नदी गुजरती है, कहीं पे बड़ी नदी गुजरती है, और कहीं इन जंगलों के बीच से गुजरते हैं नाले। जहाँ पे बड़ी नदियाँ गुजर रही होती हैं उसके इलाके में बाढ़ की संभावना होती है, और जहाँ पे ये नाले गुजरते हैं इनके इलाके में होती है सूखा की संभावना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते हैं खेती भगवान भरोसे। बारिश हुई तो खेती होगी, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी, और इस साल वही हुई, बारिश हुई ही नहीं पूरे सावन में, तो फिर ये नाला भी सूखा पड़ा रहा। और नाला थोड़ा भरा भी रहे तो फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई और उसकी वजह से खेती भी बिल्कुल ही नहीं हो पाई, ऐसा समझिए आप। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, हम गांव पहुंच चुके हैं अपने, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये वही नाले नदी जो कहिए इसको, और थोड़ी बहुत जंगल है यहाँ आसपास। हुआ तो थोड़ा घना करता था, लेकिन लोगों ने अपने योगदान की वजह से इसको पतला सा जंगल रख दिया है, बस कहने को जंगल रख दिया है बस। ये आसपास पेड़ों को देख के थोड़ी देर के लिए भ्रम होती है कि जंगल है, लेकिन ऐसा जंगल जैसा कुछ है नहीं, थोड़ी ही क्षेत्र में फैली हुई है, थोड़े कुछ पेड़ हैं, और उसमें भी लंबे लंबे पेड़ आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, वो सारे काटे जा चुके हैं। पर ऐसा सुनने में ज़रूर आता है कि एक वक्त ऐसा था जब बहुत भारी भरकम जंगल थे इस इलाके में, है ना, मतलब बाघ शेरों वाला बिल्कुल। लेकिन लोगों की संख्या और जंगल एक साथ कभी बढ़ नहीं सकती, अगर लोग बढ़ेंगे तो जंगल तो घटना ही है। कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी वक्त घर में था, तो यहाँ पे सुबह सुबह आके दौड़ लगाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा दौड़ते थे। एक दतवन तोड़ ली जाए अब मुँह धोने के लिए। तो इससे ब्रश हो जाएगी अपनी, ये हो गया अपना दतवन तैयार। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अधिकतर खेत आपको मतलब धान नहीं लगाएगा ये अधिकतर खेतों में, कुछ जो खेत थे जिनके लिए पानी संभव हुआ वहाँ एक कुआं है, और इधर जो है पोखर है, तो इससे कुछ पानी पहुँच गई तो वहाँ पे धान लग गए, बाकी में तो लग नहीं पाया। और यहाँ पर देखिए सूखे खेत में आलू लगा दी गई है, मतलब ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा समझिए आप, आलू खेतों में लगते हुए मैंने नहीं देखा अब तक जब से पैदा हुआ हूँ। इन खेतों में भी आलू लगे, तो जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती वहाँ यही सब होता है। खैर अब मिलता हूँ मैं आपको बाद में। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बजे हुए हैं, और आप जानते हैं कि गांव में घर में क्या काम होता है। ये हमारी गाय देखिए आप, यहाँ पर हम लोगों को खूंटना होता है इसको चारा देने के लिए, घास होती है इन खेतों में, चूँकि इस बार तो धान लगे नहीं हुए तो इन खेतों में हम इन गाय को खूंट देते हैं। एक और भी है यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों गाय है दोस्तों हमारी, जैसा मैंने बताया ये हमारी तरफ आ रही हैं। इनका एक फ़ोटो भी है बचपन वाली, मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइड में, अब वीडियो में साइड में देखना इसका फ़ोटो, कितना छोटा से इनका, और मतलब लाड़ प्यार रहा है ना, ये बहुत प्यारी गाय है हमारी। आज दिन भर काफ़ी भाग दौड़ रहा दोस्तों, मैं अब इन दोनों गाय के बछड़ों से मिलवाता हूँ आपको। तो ये एक नटखट ये वाला है, और ये एक ये जो चर रही है। वैसे हमारे घर में पिछले 10 सालों से जो गाय है सारे नटखट ही हुए हैं, बस वो एक प्यारी सी गाय है जो अभी दिखाया मैंने, काली वाली, और पहले एक बछड़ा हुआ करता था जब हम बहुत बच्चे थे, उसका नाम हमने और मेरी दीदी ने रखा था भोलू, भोलू करके बुलाते थे उसे। उनका पैर एक बार टूट गया था बीच में, तो हम लोगों ने उनका बहुत सेवा शुश्रूषा की,
बहुत मरम्मत किया। ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। और देखो ये भी चल के आ गई हमारे पास। सावन का महीना था तो ये जो आप कुआं देख रहे हैं ये भी सूख चुका था। मतलब कोई उपाय नहीं थी कि धान के लिए लोग यहाँ से पानी ले सके। तो दो चीज़ इस लाइफ में पहली बार देखी कि इन खेतों में धान का ना होना और इसके जस्ट बगल वाले खेत में आलू का होना। मतलब आलू यहाँ पे बोया जाना ये मैंने पहली बार देखी। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्रोबेबली अगली ब्लॉग छठ की हो सकती है। धन्यवाद यहाँ तक हमारा ब्लॉग देखने के लिए।